Hello everyone, welcome to our YouTube channel Melon Academy. Moodle tutorial series के आज के वीडियो में हम manual grading के बारे में समझेंगे. Okay, so before I go ahead and demonstrate what is manual grading, okay, how you do that on Moodle. First of all, let me give you a brief explanation on what is the need of manual grading. तो आप अगर मेरे पिछले कुछ videos देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे आपको जो है grading के methods बताए थे. Okay. उसमें क्या है था कि आप जो है एक एक आप एक एक स्टूडेंट के रिपोर्ट को ओपन कीजिए और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस को देखिए, आप सबमिट कीजिए उसके जो आंसर्स जो ग्रेडिंग है और उसके बाद सबमिशन करना है. ओके, बट क्या है कि मान लीजिए आपके पास मोर देन 500, 600, 700, इवन 200 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि एवरी टाइम आप जो है एक एक स्टूडेंट के आंसर कॉपी को रिव्यू कर रहे हो एंड देन यू आर जस्ट ओपनिंग इट, एक एक आंसर के लिए आप मार्क्स सबमिट कर रहे हो, देन फाइनल रिव्यू सबमिट कर रहे हो. ओके, ये क्या है कि हम लोग एक मैनुअल ग्रेडिंग का प्रोसेस समझेंगे जिसमें क्या है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जितने स्टूडेंट्स हैं सबको एक साथ ग्रेड करके और आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स को आप सबमिट कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. है ना, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको बताता हूँ, सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज माय मूडल डैशबोर्ड. फाइन, आई एम गोइंग टू गो टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स क्लास. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज एन एंड टर्म दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड. ओके, सो मुझे क्या करना है, अभी की कॉपीज नॉर्मली जो इनकी सॉल्यूशन शीट्स हैं वो मुझे जो है इवैल्यूएट करनी. आप देख सकते हैं नॉर्मली मैंने आपको पहले क्या बताया था, पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे रेफर करेंगे आप उसको रेफर करके देख सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ ताकि आपको जो इम्पोर्टेंस समझ में आए मैनुअल ग्रेडिंग का. ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे अटेम्प्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा. ठीक है, जब अटेम्प्ट्स पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी जितने भी मेरे पास अटेम्प्ट है, जितने भी स्टूडेंट है उनके अटेम्प्ट्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे. मैं क्या करूंगा, जस्ट रिव्यू अटेम्प्ट पे क्लिक करके एक नया विंडो ओपन किया. आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जितने भी आंसर्स है वो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, अब मुझे अगर इसको क्या करना है, अगर मुझे जो है मान लीजिए इसको जो है ग्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कमेंट और ओवरराइड मार्क पे क्लिक करूंगा एंड देन आई कैन गिव मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर कॉलम एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन सेव. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक क्वेश्चन के लिए मुझे जो है ऐसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मेक कमेंट पे एंड आई हैव टू गिव मार्क्स एंड देन सबमिट. ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, स्पेशली इफ यू कैन सी दैट इन माय क्लास देयर आर 447 स्टूडेंट्स. है ना, तो यहाँ पे क्या है, सारे स्टूडेंट, देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस, देयर आर 16 क्वेश्चंस. तो मुझे सब 16 क्वेश्चंस को चेक करना है एक-एक का एंड एवरी क्वेश्चन के लिए मुझे जो है विंडो ओपन करना पड़ेगा. इट इज अ टीडियस प्रोसेस. तो ये करने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैनुअल ग्रेडिंग का यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना मेरे पास कितने 447 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, मैं मैनुअल ग्रेडिंग में क्या करूंगा, आप ध्यान से देखिए, मैं उस पर्टिकुलर जो मैंने क्विज बनाया है या मैंने अभी जैसे मेरे केस में क्या है एंटम एग्जाम, ठीक है, सीएन का एंटम एग्जाम, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं यहाँ पे जो सेटिंग्स गियर का ऑप्शन जो आइकन यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज योर एक्शंस मेन्यू, तो उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज मैनुअल ग्रेडिंग. तो मैनुअल ग्रेडिंग को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ. जैसे ही मैं मैनुअल ग्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरे को क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके, एंड देन देयर आर थ्री डिफरेंट कॉलम्स टू ग्रेड, ऑलरेडी ग्रेडेड एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे वो क्या रहा है कि आपको एक एक क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट्स हुए हैं वो बताया जा रहा है. तो आई हैव ऑलरेडी ग्रेडेड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 246 स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग हो चुकी है. कितनी बची है, 200 स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग बची है. तो This I need to grade. This is already graded. अगर यहाँ पे आपको अपडेट करना है तो अपडेट ग्रेड पे क्लिक करके आप उसको जो है अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको अपडेट करना है ना. और इफ यू वॉन्ट टू ग्रेड ऑल यू कैन क्लिक ऑन ग्रेड ऑल. ठीक है, तो करेंटली क्या है, मेरा आधा चेक हो चुका है, मोर देन हाफ आई हैव चेक्ड. तो मैं क्या करूंगा, ओनली टू ग्रेड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा. तो ये क्या है एक्चुअली कि ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन, उनके लिए जैसे आप 7th question पे देख सकते हैं यहाँ पे how many students have attempted 190, है ना, और 246 update grades, है ना. तो यहाँ पहले मैं हम grades को देख लेते हैं, two grades को. ठीक है,
इसके पहले क्या है कि आपको कितने नंबर ऑफ आपको जो है स्टूडेंट्स को एक पेज में आपको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एक ऑप्शन आता है ऑल्सो शो क्वेश्चंस दैट हैव बीन ग्रेडेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये है कि मेरे पेपर में कुछ ग्रेडिंग्स हुए हैं जो ऑटोमेटिकली, अगर मुझे उन क्वेश्चंस के बारे में भी देखना है तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल्दो देयर इज नो नीड, क्यों, क्योंकि जो ऑटोमेटिकली ग्रेडेड है उन क्वेश्चंस को देखने की कोई जरूरत होती नहीं है ऐसा, ठीक है। तो उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन हाइड माई दोज मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। अब मुझे अगर ग्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो ग्रेडिंग के लिए क्या है कि पहले तो हम उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ग्रेडिंग के लिए क्या चाहिए वो ऑप्शंस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगेन वी विल गो टू द मैनुअल ग्रेडिंग, ठीक है। मैनुअल ग्रेडिंग में मैं क्या करूंगा, मान लो कि मुझे 200 स्टूडेंट्स को ग्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा ग्रेड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जब यहाँ ग्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आई कैन डिसाइड कि मुझे कौन से अटेम्प्ट को ग्रेड करना है। तो तीन ऑप्शन है, दोज दैट नीड ग्रेडिंग, है ना। इसका मतलब क्या है कि जिनकी ग्रेडिंग अभी भी पेंडिंग है उनको ग्रेड करना है, दोज दैट हैव प्रीवियसली ग्रेडेड मैनुअली, मतलब 246 स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग पहले हो चुकी है तो उनको भी क्या मुझे करना है ना, या फिर ऑल 446 स्टूडेंट्स को करना है। अभी मुझे क्या चाहिए कि भाई जिनकी जरूरत है दोज मेनी स्टूडेंट्स आई विल बी इवेल्युएटिंग और ग्रेडिंग, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चंस पर पेज आपको कितने क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पर पेज का मतलब क्या होता है, आप तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ग्रेड कर रहे हैं, है ना, इवेल्युएट कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि कितने क्वेश्चंस आपको एक पेज पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने आप क्वेश्चंस बढ़ा देंगे ना, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 200 भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी जो है आप ग्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपका जो टाइम आउट हो जाता है आपके लॉगिन क्रेडेंशियल का, है ना, तो कुछ टाइम लिमिट होता है, तो उसके कारण क्या होगा जब आप 200 स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे तो वो कहेगा लॉग आउट, सो इट विल बी लॉग आउट ना। सो इट इज पॉसिबल दैट जब वो लॉग आउट हो जाए उसके बाद फिर से आपको 200 स्टूडेंट्स ही करने पड़े। सो इट्स बेटर कि आप जो ग्रेडिंग कर रहे हैं वो आप 10-10 स्टूडेंट्स या मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ करिए, जिसके साथ आपका लॉग आउट, आपका जो क्रेडेंशियल है वो लॉग आउट ना हो जाए, आपका जो यूजर, आप जो यूजर एज अ यूजर लॉग इन किए हुए हैं वो आपका विंडो लॉग आउट होकर ना चला जाए, तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली, ठीक है। थर्ड थिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जस्ट फॉर द सेक टू लेट यू अंडरस्टैंड, मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चंस पर पेज में कितने ले लेता हूँ, मान लीजिए कि टू क्वेश्चंस, है ना, मतलब टू यूजर्स के मुझे जो है मुझे दिखाएंगे पर पेज, ठीक है। सो ऑर्डर अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो अटेम्प्ट्स हैं वो कैसे दिखाएंगे, आपको स्टूडेंट का फर्स्ट नेम देखना है तो बाय स्टूडेंट फर्स्ट नेम पे क्लिक कीजिए, अगर आपको रैंडमली कोई भी स्टूडेंट 200 में से चाहिए तो रैंडमली क्लिक कीजिए, बाय डेट करना है, बाय स्टूडेंट लास्ट नंबर, बाय स्टूडेंट आईडी नंबर, है ना। सो देर आर टू सो मेनी ऑप्शंस, सो फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट सेलेक्ट। सो मैंने क्या सेलेक्ट किया है, आई एम गोइंग टू ऑर्डर माई अटेम्प्ट्स बाई स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ओके, एंड देन वॉट आई विल बी डूइंग, लेट मी चेंज इट टू 4, एंड देन वॉट आई विल बी डूइंग, आई विल बी चेंजिंग द क्लिकिंग ऑन द चेंज ऑप्शंस, ओके। तो इससे क्या होगा, जो भी मैंने सेट किया है दोज ऑप्शंस विल बी नाउ सेटिंग्स विल बी डन, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन चेंज ऑप्शंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आभास अनमोल, 1 स्टूडेंट इज देयर, एंड देन अनदर स्टूडेंट इज देयर, देन थर्ड स्टूडेंट एंड फोर्थ स्टूडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं इन सारे स्टूडेंट्स का इवेल्यूएशन, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इवेल्यूएशन एक साथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है, हम लोग इवेल्यूएशन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे इनको लेट अस सपोज 2 मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0.5 दे देता हूँ, फाइन, एंड यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू गिव 2 मार्क्स आउट ऑफ, फाइन, एंड देन व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ये 4 स्टूडेंट की जो ग्रेड्स हैं वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो लॉग आउट का इशू मैंने आपको रेज किया था वो इशू नहीं होगा। तो मैंने 4 तो इसलिए दिया है बिकॉज मैं आपको समझाना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट यू वॉट यू कैन डू इज
एज पर योर मीन्स टाइम लिमिट है ना, तो आपको एक अंदाजा हो जाता है, एक अजम्पशन आप लेके और उसके बाद अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा कि जब तक आपके सारे स्टूडेंट्स ग्रेड नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्या होगा कि आपको जो है उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ आपका ग्रेडिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब क्या है कि मुझे मान लीजिए कि अब पीछे जाके देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले मेरे पास 200 स्टूडेंट्स थे, अब मैंने सिंस मैंने सेव कर दिया है तो वो स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स के मैंने इवेल्यूशन कर लिया है, तो अब यहाँ पे 196 पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये 250 ये अपडेट ग्रेड्स जो आते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक करके आप इसको नए पेज पे ओपन करें। अब क्या होगा, जो आपने चेक किया है जितने भी स्टूडेंट्स को आपने ग्रेड्स दिए हैं, आप क्या कर सकते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के ग्रेड को मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ यू रिमेम्बर कि मैंने जब आपको वो इनिशियली मैं आपको बता रहा था तो यहाँ 200 था, यहाँ 256 था, फिर यहाँ से मैंने ग्रेडिंग खत्म कर लिया तो ये 196 हो गया, डेफिनेटली रिड्यूस होगा और यहाँ पे 4 ऐड हो गए। मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब ग्रेडिंग जिनकी हो चुकी है उन स्टूडेंट्स की ग्रेड को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ग्रेड ऑल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आप देखें तो मेरे पास क्या होगा कि सारे स्टूडेंट्स के डेटा आ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली वही होगा कि 4-4 के इसमें आएगा। ठीक है, 4-4 के पर पेज 4 स्टूडेंट्स विल बी 4 क्वेश्चंस और 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स विल बी शोन, है ना, और इस तरीके से मैं सारे के ग्रेड कर सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इनकी ग्रेडिंग हो चुकी है, तो अननेसेसरीली मैं ग्रेड ऑल करने से मुझे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि ग्रेड ऑल ना करके मैं जो 2 ग्रेड स्टूडेंट्स हैं बस उन्हीं के ग्रेड्स को देखूंगा। सो ये जो मैंने आपको बताया है मैनुअल ग्रेडिंग का प्रोसेस, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, वही आप देख सकते हैं मेरा सिनेरियो देख लीजिए, 16 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 16 ओनली 5 क्वेश्चंस आर ऑटोमेटिकली गेटिंग चेक्ड एंड 11 क्वेश्चंस नीड टू बी चेक्ड मैनुअली। ठीक है, तो 11 क्वेश्चंस अगर 447 स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर चेक करूं या 446 स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं चेक करूं, सो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी और इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे क्या है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है एक हैंडी होता है, नॉट नेसेसरीली किसी को अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस से जाना है सो ही और शी इज डेफिनेटली फ्री टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। दैट्स व्हाई आई टॉट यू इन द प्रीवियस ट्यूटोरियल। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड बिकॉज दिस प्रोसेस हैज डिफरेंट काइंड ऑफ इज ऑफ यूसेज ऑफ द मॉडल प्लेटफॉर्म, है ना, एट द टाइम ऑफ इवेल्यूएशन डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो अपने नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कम अप विद सच काइंड ऑफ सम न्यू हैंडी टूल्स with regard to Moodle. Okay, till then, thank you very much for listening to me. If you have any questions, so you can definitely comment on my video. So I'll be solving your question. Okay, thank you very much. Have a nice day.